नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शाहरुख खान को लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान को लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर अमेरिकी आवर्जन विभाग ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। शाहरुख ने ट्वीट किया कि दुनिया में जिस तरह से सुरक्षा होती है, मैं उसे पूरी तरह से समझता हूं और उसका सम्मान करता हूं। लेकिन हर बार अमेरिकी आवर्जन में हिरासत में लिया जाना बेहद परेशान करने वाला है। 50 वर्षीय शाहरुख ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इसका अच्छा पहलू यह है कि इंतजार करते समय कई बढ़िया पोकेमोन पकड़ पाया। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले वर्ष 2012 में खान को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर आवर्जन अधिकारियों ने 2 घंटे तक हिरासत में रखा था। तब अमेरिकी कस्टम एवं सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने शाहरुख खान को हिरासत में लिए जाने पर गहरा खेद भी जताया था। थाईलैंड में सिलसिलेवार धमाके, 4 की मौत। थाईलैंड में पिछले 24 घंटे में हुए 8 बम विस्फोटों में कम 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार ये धमाके रिजॉर्ट शहर हुआ हिन और दक्षिणी प्रांतों में हुए हैं। हुआ हिन जिले के प्रमुख थुगीपोंग ने कल रात के 2 विस्फोटों के बाद शहर में आज हुए 2 अन्य विस्फोटों के संदर्भ में बताया कि क्लॉक टावर पर हुए 2 बम विस्फोटों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हुआ हिन में 4 विस्फोटों के अलावा आज पर्यटन द्वीप फुकेट में भी 2 विस्फोट हुए। गुरुवार को 1 विस्फोट इस देश का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सुरेट थानी और 1 दक्षिण ट्रोंग में हुआ। साइना सिंधु की जीत से शुरुआत, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में मिली निराशा। लंदन ओलंपिक की कांस्य विजेता सानिया नेहवाल और विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य का तमगा जीतने वाले पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की एकल स्पर्धा जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। लेकिन भारत को रियो ओलंपिक में तीरंदाजी और मुक्केबाजी में निराशा हाथ लगी। तीरंदाजी में झारखंड की 2 बार की ओलंपियन दीपिका और 3 बार की ओलंपियन बोम्बायाला के व्यक्तिगत वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में हारने से महिला एकल में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। भारत को मुक्केबाजी में शिव थापा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। पुरुष हॉकी टीम ने नीदरलैंड से 1-2 से हार के बावजूद क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। महिला हॉकी में भारत को अमेरिका ने 3-0 से हराया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने मिक्स डबल टेनिस में जीत से अपने अभियान की शुरुआत की।